स्वागत है। मैं हूँ प्रवीण और आप देख रहे हैं इनके टेक में चालू। और देखिए दोस्तों, ये हमने अभी बैक रोटरी भी लॉन्च की है और इसका भी हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं। अभी कैसे चलते हैं, क्या चलते हैं, इसके बारे में हम सब पता करेंगे। उससे पहले आप अपने दुकान का नए शोरूम का में उद्घाटन किया है 15 तारीख को, मेरा सब उसमें वीडियो भी है यूट्यूब पे, शायद आपने देखा नहीं तो देख लीजिए। और देखिए हम अभी क्या क्या है हमारे दुकान में, स्पेयर पार्ट है ये दिखाने वाले हैं सब। देखिए हमारे रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने पंडरपुर में ये हमारा शोरूम है, ये मशीनरी वगैरह आप देख सकते हैं, ये ट्रॉली वगैरह में बना के रखे हैं। और देखिए अंदर क्या क्या है आपके पास वो भी देखते हैं। ये रीपर है दोस्तों, इसका भी हम आगे चल के वीडियो बनाने वाले हैं। वही एक साइड पे आपका कुछ धान हो, गिराना हो तो गिरा सकता है। ये वाटर पंप है और ये एसटीपी। हम थोड़ा फास्ट दिखाते थे दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप पहले मशीनरी देख लीजिए, पावर वीडर वगैरह, ये रसवंती है, शुगर केन मशीन है, ये एसटीपी इंजन है, और यहाँ और तंग वगैरह है ट्रॉली टाइप वाला। वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है। और ये डिचर है, सब स्पेयर पार्ट है। ये सभी स्पेयर पार्ट है दोस्तों, तो हर मशीन के हम सभी स्पेयर पार्ट रखते हैं, रिपेयर हो जाता है। अगर आपको दूर है आप तो आपको बहुत दूर हो तो आपको स्पेयर पार्ट मंगाने का हो तो हम पोस्ट पार्सल से भिजवा देते हैं। और ये गियर बॉक्स वगैरह है, और ये का किसान का मशीन आया है, इसका भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। ये भी बैक रोटरी वाला मशीन है, फ्रंट रोटरी और बैक रोटरी और सेंटर रोटरी भी ये चलता है, इसका भी आगे हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा आपका समय ज़्यादा न ले थोड़े, तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम दिखाने वाले आपको। ये किसान का मशीन आता है कोलियर का, इसको इंजन लगा हुआ है जो इटालियन का आता है, अभी से देख सकते हैं। ये बैक रोटरी है और ये मशीन बटन स्टार्ट चलता है, यानी बटन स्टार्ट यानी इसको चावी पे आप चालू बंद कर सकते हैं। देखिए सेल्फ स्टार्ट है, ये चावी लगा हुआ है इधर, अभी चालू नहीं करेंगे लेकिन आपको दिखा दे क्या क्या है। देखिए हमने अभी रोटर भी नहीं जोड़ा है इसका, रोटर है जोड़ने वाले हैं, ये रोटर है, ये तो ये रोटर जो है आप इसे रोटर सकते हैं, या आपको जो अगर बर चढ़ानी हो गन्ने को तो उसके लिए अलग से रोटर आता है। इस मशीन का हम प्राइस के बारे में बात करेंगे। ये रोटर, इसे यहाँ दो नट्स है, ये नट दिखाते आपको निकल के, तो यहाँ ही अटैच हो जाएगा। ये दो नट ऐसे बिठाए और ये टाइट किए तो काम हो जाएगा और इसे आप रोटरी चला सकते हैं। और आप इसे रेजर चला सकते हैं, यानी बीज बोने का मशीन, पेरनी यंत्र बोलते हैं हमारे यहाँ, वो पेरनी यंत्र भी लगा सकते हैं। और टायर भी देखिए बहुत तो ही हेवी है, इसको गियर देखिए, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड गियर है, तीन गियर है, और इसको रिवर्स में टू गियर वर्क करेंगे रिवर्स में, और
ये जो तीसरा गियर है वो फास्ट चलता है, जब आपको कभी रोड पे चलना हो तो रोड पे चल सकते हैं फास्ट। और दूसरी बात है ये रोटर का गियर है, रोटर इसे आप चला सकते हैं। और ये नीचे ऊपर लेने के लिए एडजस्टमेंट है, आप इसे हैंडल नीचे ऊपर ले सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही कुछ किसान भाई को ये मालूम नहीं होगा, ये मशीन जो है ऐसे घुमा के आप इधर भी चला सकते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में दिखाया। इसको अभी रोटर नहीं जोड़ा इसलिए बैलेंस नहीं हुआ है, बैलेंस हो जाने के बाद आपको पता चलेगा। इसको इधर ऐसे गियर लगा के भी चला सकते हैं, यानी उल्टा भी चला सकते हैं और सीधा भी चला सकते हैं, दो टाइप चलेगा, ये दोनों तरफ चलेगा। सेंसर है और ये क्लच है, ये अगर आपसे हाथ में छूट जाएगा तो अपने आप मशीन स्टॉप हो जाएगी। ये एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर से काम करेगी। और ये जो है ये इसको टिप गियर बोलते हैं, जो मशीन आप ये गियर लगाने के बाद इधर उधर नहीं जाएगी, सीधा मशीन जाएगी, इसे डिफरेंशियल लॉक कहते हैं, गियर कहते हैं। और ये जो है इसे रिवर्स भी चलेगा और मशीन फॉरवर्ड भी चलेगा, ये दोनों सिस्टम है। इस मशीन का माइलेज की बात की जाए तो इसका माइलेज भी बहुत है, 1 लीटर डीजल में ये मशीन लगभग 1.5 या 2 घंटे तक चलती है, बहुत ही इसका माइलेज है। और ये सेल्फ चार्ज है, इसका बैटरी जो है वो एम्ब्रॉन का आता है, देखिए जो बैटरी हेवी है। और ये एयर फिल्टर है इसका, बहुत ही हेवी बना है क्योंकि इंजन ही बहुत हेवी है तो एयर फिल्टर भी हेवी रहेगा। आप इसे ट्रॉली भी लगा के चला सकते हैं, हम अभी ट्रॉली लगा के चलाएंगे। देखिए दोस्तों अभी ये हमने नया ट्रॉली बनाया है, ये ट्रॉली भी आप इसे ऐसे बना के लगा सकते हैं। इस ट्रॉली का भी मैंने एक वीडियो डाल दिया है, वीडियो आप देख सकते हैं। एक 800-900 किलो तक वेट ये सह लेती है, ऐसे इधर बैठने के लिए आप इसे कुर्सी बना सकते हैं और इसे आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें 8-10 कैरेट आराम से बैठ सकते हैं। अगर आपको जानवर का चारा वगैरह लाना हो ला सकते हैं। इंडियन देसी जुगाड़ है, आप इसे कैसे भी बना सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। और देखिए हम इसका अभी आगे वीडियो भी दिखाने वाले हैं, लेकिन बहुत ही ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हमने छोटा सा वीडियो बनाया। और आपको एक डिचर भी दिखा दें इसका, चलो ये देखिए दोस्तों इसका डिचर है। आप इसे बेड भी बना सकते हैं, मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं, ये आपको मिलेगा लेकिन इसका कॉस्ट अलग से रहेगा, इसका 27,000 कॉस्ट है। और मशीन के बारे में बात की जाए तो 1,95,000 मशीन बैठेगा, खाली मशीन आएगा। अगर आपको कुछ अलग से लेना है, मशीन के साथ एक रोटर आएगा जो मिट्टी चढ़ाने के लिए आएगा काम, और रोटर निकल ही आएगा। देखिए दोस्तों
आपको वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप आगे से ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हर किसान जो नई वीडियो आते हैं वो देख सके। धन्यवाद दोस्तों।